नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। एक सर्वे में पता चला है कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षणिक योग्यता निम्न स्तर की है। वजह बताई गई है कि ज्यादातर स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात तय मापदंड के अनुसार नहीं है। वहीं हरियाणा के स्कूलों में 26,000 से भी ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं। देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर एक गैर सरकारी संस्था प्रथम की रिपोर्ट में पता चला है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षणिक योग्यता निम्न स्तर पर है। संस्था प्रथम ने मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू को जमा की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात भी तय मापदंड के मुताबिक नहीं है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल न के बराबर है। यही वजह है कि अभिभावक ज्यादातर निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की क्या दशा है। Normally, what we would assume that after a lot of money that has been put in as per RTE, a lot of schools have been closed, a lot of teachers recruitments happened, trainings happened. Normally, you would say the results should go up from every year to year. But I am very concerned that in last three to four years, the results have actually gone down. स्थिति इतनी चिंताजनक है कि तीसरी कक्षा का छात्र गिनती नहीं गिन पाता है और जब तक कि वो आठवीं कक्षा में जाते हैं तो काफी लोग उनमें से भाग के सवाल नहीं कर सकते, यानी कि तकसीम के सवाल नहीं कर सकते। एक और जहां हरियाणा दावे करता है कि प्रति व्यक्ति आय में वो देश में दूसरे नंबर पर है और राज्य की आर्थिक हालत भी काफी अच्छी है, ऐसे में सरकारी स्कूलों की अनदेखी से पता चलता है कि सरकार शिक्षा पर कम और निर्माण पर निवेश को ज्यादा तरजीह दे रही है। हमारा पीटीआर जो रेशियो है वो 60% के अराउंड है, तो 60% स्कूल जो है अभी भी हरियाणा में पीटीआर को मीट नहीं करते हैं, जो पीपल टीचर रेशियो होता है, तो वहाँ पे कमी नज़र आ रही है। और साथ साथ हमें लर्निंग लेवल जितने डाउन है वहाँ पे कमी नज़र आ रही है। राज्य में शिक्षा का मौजूदा हाल इसलिए भी है क्योंकि स्कूलों में 26,000 से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। हालांकि हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि शिक्षा में भी राज्य अगले पायदान पर है और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा जो है अग्रणी राज्य रह रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और हमारे यहाँ ड्रॉप आउट भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है और बच्चों के एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और दूसरा, जो भी इनका सर्वे का एक तरीका रहा होगा, हम लोग ज़रूर देखेंगे कि कहाँ क्या कमी रही है ताकि हम उसमें सुधार कर पाएँ, क्योंकि हरियाणा में हमने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। इस सर्वे में 3 से 16 साल के 22,000 से ज़्यादा छात्रों को शामिल किया गया था। हरियाणा के 575 गांव में किए गए प्रथम संस्था की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं कक्षा तक के 40% से भी ज्यादा छात्र कक्षा 2 की किताब तक नहीं पढ़ सके, जबकि 2010 के सर्वे में 33.5% और 2011 में 34% छात्र अयोग्य पाए गए थे। यानी मौजूदा आंकड़ा बता रहा है कि हरियाणा में शिक्षा का हाल और बदतर हुआ है। अचरज की बात यह है कि जो राज्य अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत अच्छी बताता है, एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पढ़ाई का दृश्य बहुत अच्छा नहीं है और जेबीडी रिक्रूटमेंट स्कैम उसी बात को दर्शाता है और हमें आईने में दिखाता है। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ शमशेर चंदेल, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा की ये दशा कैसा भविष्य दिखाती है, आखिर कमियां कहां रह गई हैं और क्या है निदान, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जया भारद्वाज जो एक शिक्षा विद्या और हंसराज पब्लिक स्कूल पंचकुला के प्रिंसिपल हैं, रवि शर्मा जो पत्रकार हैं हरियाणा कवर करते रहे हैं, और राजीव गोदारा जो संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं। रवि, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आप हरियाणा को कवर करते रहे हैं, शिक्षा मंत्री ये कह रही हैं कि स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं, लेकिन इन एडमिशन के बढ़ने का क्या फ़ायदा जब शिक्षा का स्तर ये है कि 5वीं कक्षा का बच्चा 2री कक्षा की किताब ना पढ़ सके, कहाँ कमियाँ आपको लगता है रह गई हैं? मुझे लगता है कमी कहीं ना कहीं ठीक उसी स्तर पर है जिस स्तर पर इस प्रथम की रिपोर्ट में आ रही है, बेसिक स्तर पर जी। स्कूलों में जो दाखिले हैं, गांव में जो स्कूलों जो स्कूल हैं उनका स्तर जो है वो अब किसी से छुपा नहीं है, इस रिपोर्ट के बाद तो सब कुछ साफ है। अगर शिक्षा मंत्री ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने पिछले काफ़ी समय के दौरान हरियाणा में शिक्षा को बढ़ाने के लिए योगदान काम किया है, तो ये भी इसी सरकार की रिपोर्ट है जो विधानसभा में उठी थी कि सिरसा में एक स्कूल है जो अभी भी दान की हुई धर्मशाला के बिल्डिंग में चल रहा है। वहाँ स्कूल की अपनी बिल्डिंग में नहीं है, किसी ने एक धर्मशाला बनाकर स्कूल को दान दे रखी है और उसमें सरकारी स्कूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये
जो अगर स्कूलों स्कूल एजुकेशन लेवल कहीं गिर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीति भी हो रही है। कुछ एरियाज़ में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जा रहा है, और कुछ में नहीं दिया जा रहा। अब जब आप राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की बात करते हैं तो एक खास एरिया में है, और दूसरे एरिया में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं। अभी ये तो हो गई उच्च स्तर की शिक्षा की बात, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी या जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आप ले आए, लेकिन बेसिक जब आधारभूत ढांचा जब कमजोर है, बुनियादी शिक्षा ही जब कमजोर होगी तो उच्च स्तर तक जाकर क्या किया जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। उच्च स्तर तक जाने का तो मतलब नहीं हो सकता, इसका मतलब ड्रॉप आउट है। पूरा का पूरा दारोमदार इसका मतलब आपके शिक्षक वर्ग पे है, जो आपने भर्ती कर की हैं पिछले समय के दौरान, इसका मतलब उनका जो स्टैंडर्ड है वो अब सामने आ रहा है। राजीव, महंगे अध्यापक, कम फीस, दूसरी सुविधाएं, उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में यही हालत है। सिर्फ हरियाणा की ये बात नहीं है, कमोबेश यही पूरे देश के सरकारी स्कूलों की हालत ज़्यादातर ऐसी ही बताई जाती है। मुझे लगता है कि हरियाणा कम से कम इस हालत के बने रहने के लिए बाध्य है आज के दिन, और वो तब तक है जब तक सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं उनकी स्थिति को हम देखेंगे नहीं। आखिर सरकारी स्कूल की शिक्षा कैसी है, इसका स्टेक होल्डर कौन है? इसका स्टेक होल्डर आज हरियाणा में वो बच्चा है जिसकी आवाज़ कहीं नहीं है, जिसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो बोलने के में सक्षम नहीं है, जो अपनी रोजी के लिए रोटी के लिए बड़ी संघर्ष कर रहा है, उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। शिक्षा के मायने भी उन्हें नहीं पता ज़्यादा, उनके शिक्षा के मायने भी नहीं पता, और जो थोड़ा सा बोलने लगा है, जिसकी आवाज़ है, उसके बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं है। इसलिए आप विचित्र स्थिति देखेंगे कि हरियाणा में 15,000 गेस्ट टीचर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, हर पार्टी उसका समर्थन करती है, पर इस देश का पूरा हरियाणा की संख्या जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, वो परिवार, वो बच्चे और उनके अभिभावक जो वोटर भी हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं है। और जब तक इस पूरे सिस्टम को उसकी परवाह नहीं होगी, आप मैनेजमेंट स्कूल कमेटी बना दीजिए, और अभी जो कर रहे हैं कि कुछ एनजीओ को मॉनिटरिंग का काम देंगे, आप वो बना दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। होगा ये, आप आरटी भी लागू कर देंगे, आरटी लागू किया और ये सब किया, आपने क्या किया कि हम ये आरोप ना लगे, क्योंकि देश में एक मुद्दा बन गया, ये आरोप ना लगे कि इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए आपने छात्रवृत्ति दी, इसलिए आपने मिड डे स्कीम मिल स्कीम चलाया, ये सब आपने किया। गुणवत्ता में सुधार की कोई बात, गुणवत्ता में सुधार तो मुद्दा ही नहीं बना, और वो तब तक नहीं बनेगा जब तक वो स्टेक होल्डर जिनके बच्चे वहां जा रहे हैं उनकी आवाज नहीं बनेगी, और उस आवाज को बनाने की राजनीति नहीं बनेगी, और उस राजनीति की हरियाणा का मुद्दा नहीं बनेगा। कल को हरियाणा में वो ये मुद्दा बन जाए, राजनीतिक मुद्दा बने कि शिक्षा की स्थिति क्या है, और इस बात पे सरकारों को और पार्टियों को लगे कि इससे हमारा वोट प्रभावित होगा, फिर 2 साल बाद देखिए कि कैसे मॉनिटरिंग होगा और कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार आने की संभावना, इसका भी बड़ा मुद्दा बनना जरूरी है। जी, आप प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपको क्या लगता है क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों की ये हालत है? मुझे तो लगता है वहाँ पर जो टीचर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है उसकी पहली भावना यही होती है कि वहाँ जाके मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे टीचर्स ही जाते हैं। जैसे हमारे पास जो टीचर है उनको गवर्नमेंट की जॉब मिल भी जाती है, वो नहीं जाते, वो कहते हैं वहाँ पर ना बच्चे पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर पढ़ाने का माहौल है। जब आप टीचर्स ही नहीं पढ़ाएंगे फिर बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते, जो चौथी क्लास का बच्चा है जो सेकंड क्लास का नहीं पढ़ पा रहा है उसकी सारी गलती मैं उस टीचर को दूंगी जो उसको शुरू से पढ़ा रहा था। इसका मतलब उसने उसको पढ़ाई सिखाई नहीं है। जब तक हम टीचर्स को नहीं एनेबल करेंगे तो पढ़ाई का स्तर बढ़ नहीं सकता। रवि, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, 26,000 शिक्षक के पद खाली हैं, पद अगर भरे भी जाते हैं तो JBT जैसे स्कैम सामने आते हैं, तो शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? इसमें देखिए, 26,000 अगर पोस्ट खाली हैं टीचर्स की, तो आप ये भी देखें कि 26,000 पोस्ट भरने के लिए पिछले सरकार का ये दूसरा टर्म है, कोई अभी तक तो कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, इस मामला अदालत तक जा चुका है, उसका जवाब है कि इतनी 26,000 टीचर्स को भरने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और काफ़ी समय लेगी, तो 7 साल तो नहीं लेती। अगर शुरुआत से ही आपका, जैसे गोदारा जी ने कहा कि आपकी प्राथमिकता होती शिक्षा में सुधार जी, तो आप डे वन से इसको कुछ ना कुछ शुरुआत करते। आपने गेस्ट टीचर भर्ती कर रखे हैं, लेकिन आप देखिए कि वही, क्योंकि वो वोट बैंक है जैसे गोदारा जी ने कहा, क्वालिटी मिलेगी गेस्ट टीचर्स से? नहीं, क्वालिटी का तो अलग मुद्दा है, क्वालिटी तो हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी का मुद्दा तो उसी दिन सुधरेगा कैसे? क्वालिटी का मुद्दा तो उसी दिन ये खत्म हो गया था जिस दिन आपने गेस्ट टीचर्स को भर्ती करने का फैसला कर लिया था। रेगुलर पोस्ट जिनका क्वालिफिकेशन आप तय करते, आपने कर लिया, आपने आनन फानन में आप अपने कुछ लोगों को या जो पॉलिटिकली जुड़े हुए लोग थे या अप्रोच कर सकते थे उनके बच्चों को या उनको
आपने गेस्ट टीचर भर्ती कर लिया, और धीरे धीरे अगर आप पूरा ध्यान देखेंगे पिछले 7 साल में गेस्ट टीचर्स के लिए जो शर्तें थी जी, उनमें भी बदलाव कर दिया गया ताकि उनको खुश रखा जा सके। यानी पूरी सुविधाएं उन्हें दी गई हैं, सुविधाएं उनके मुताबिक बदल दी गई हैं, बच्चों के मुताबिक नहीं। उनको उनको लंबी छुट्टी का उसके कोई प्रावधान नहीं था जी, उनको मैटरनिटी लीव का नहीं था, उनको ट्रांसफर नहीं थी, लेकिन जितनी ट्रांसफर गेस्ट टीचर्स ने करवा ली हैं वो उसका उसका असर किस पे पड़ रहा है? बच्चों पर पड़ रहा है, स्कूल एजुकेशन पे बच्चों पर पड़ रहा है। जिस काम के लिए आपने गेस्ट टीचर्स भर्ती किए थे ताकि 26,000 जो खाली पोस्ट पड़े हैं उनको कंपनसेट किया जा सके, वो तो मुद्दा पूरा नहीं हुआ आपका। नियमित अध्यापकों की तरह सुविधाएं दी जा रही है लेकिन गुणवत्ता पर कोई उंगली भी नहीं, कोई सवाल भी नहीं उठा रहा, क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। अरे एक सवाल हो रहे, देखिए जब तक आप गेस्ट टीचर लगा रहे थे तो आप वो आपका वो गेस्ट टीचर कौन से रूल से गवर्न हो रहा था जिसपे खतरा हो कि आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो वो था नहीं जी। और सरकार ने लंबे समय तक ये किया, सरकार ने अभी रवि ने जो कहा कि इसके बाद प्रक्रियाएं शुरू नहीं की, नहीं सरकार ने प्रक्रियाएं शुरू की, पर आप देखिए प्रक्रियाएं शुरू करने का आडंबर कैसे किया। एक बार इसी सरकार के रहते हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन लेगी और उसके बाद करेंगे, फिर वो ड्रॉप हो गया, फिर दोबारा हुआ तो फिर ड्रॉप हो गया, कुछ अध्यापक लगे, अभी फिर JBT टीचर्स की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। पर उसके बीच में आप रूल्स कब बनाते हैं? रूल्स अब तब बनाते हैं जिस दिन आप रूल बनाने के 5 दिन बाद आप पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं। रूल्स को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके सपने के वाजिब भी सवाल होते हैं और गैर वाजिब भी हो सकते हैं, अदालतों में आते हैं। वाजिब सवाल अगर आएगा अदालत इंटरफेयर करती है और सारी प्रक्रिया रोक देनी पड़ती है क्योंकि आप बहुत सारे वाजिब लोगों को छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उसी वोट की राजनीति के चलते आपने गेस्ट टीचर को, जहां हरियाणा का जो योग्यता का पेपर पास करना था, टेस्ट पास करना था, वहां आपने उनको छूट दी है कि वो पेपर पास नहीं भी करेंगे तो 4 साल अनुभव है तो आपको छूट मिलेगी। हाँ, क्योंकि इतने सालों का, बिल्कुल ठीक है, अनुभव की बात थी। ये एक सवाल उठा। अब आप लगातार सारी शिक्षा को जोड़ मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो कहां कर रहे हैं? सिर्फ अध्यापक संघ और शिक्षकों के माध्यम से। हरियाणा के अंदर अध्यापक संघ की बहुत जबरदस्त राजनीति है, आंदोलन होने चाहिए और राजनीति होनी चाहिए, बेहतर बात है, परंतु मेरा सवाल यह है कि अध्यापक संघ जो राजनीति कर रहे हैं वो बच्चों की शिक्षा से कितना जुड़ती है, इसको हरियाणा के लोगों को देखना होगा। पूरी राजनीति में राजनीतिक पक्ष कहीं नहीं है, शिक्षा को लेकर राजनीतिक दलों की कोई आवाज नहीं है, सिविल सोसाइटी की कोई आवाज नहीं है। अगर आवाज है तो सरकार का एक रूल आया, अध्यापक संघ का विरोध आया, कुछ दिन संघर्ष चला, उसके बाद मोड़ दिया गया, वापिस ले लिया गया। वो गेस्ट टीचर को लेकर जो अध्यापक संघ हैं जिनके नियमित अध्यापकों के, वो भी मदद कर रहे हैं। हरियाणा में दो बहुत बड़े संघर्ष हैं, पात्र अध्यापक संघ, पात्र संघ और गेस्ट टीचर। एक तरफ वो जो कह रहे हैं हमने पात्रता परीक्षा पास की, हमें नौकरी दो। अब इस पूरी हालत में हो ये रहा है और इसके इतने यहाँ बात यही नहीं टिकती है। आपने स्कूलों में मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं दी है, आधारभूत ढांचे को प्रोजेक्ट बड़ा बनाने में आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, कमरे बनाए, पर आपने स्कूलों में अगर टॉयलेट्स नहीं बनाए तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो स्कूल में पढ़ने जा सकेंगी? उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पूरा का पूरा शिक्षा को मानवाधिकार से जोड़ के देखें तो हरियाणा के साथ लगातार सरकारों ने बहुत बड़ा खेल किया है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के चलते गैर बराबरी किस तरह बढ़ रही है। एक बच्चा जिसके पास थोड़े साधन है उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जगह मिल रही है, वो शिक्षा के माध्यम से कहाँ जा रहा है? और जैसे आगे जाता है उसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कुछ हरियाणा में हो रहा है, कहाँ जा रहा है? प्राइवेट हाथों में सब कुछ देकर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन रही है, जिंदल जैसे लॉ स्कूल जैसे स्कूल बन रहे हैं जिसमें लाखों की फीस है। उस हालत में आप गैर बराबरी को किस कदर बढ़ा रहे हैं? और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो उस गैर बराबरी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, तो आपको बहुत सारी पीढ़ियों को, बहुत सारे लोगों को के बीच में गैर बराबरी को पीछे रहने के लिए हमेशा के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। ये मुद्दा जिस दिन हरियाणा में बनेगा, मुझे लगता है अध्यापक संघ पे लोगों की आवाज उठेगी, उन पे सवाल उठाएंगे कि आप ये मांग क्यों नहीं कर रहे, सरकार पे आवाज उठेगी, और तब शायद कहीं पूरी व्यवस्था में कुछ सवाल होंगे कि बात आगे बढ़ सके, वो मुद्दा बनना चाहिए। रवि, हाँ जी, जी, जी। इनकी बात से ये बात याद आई, इन्होंने कहा कन्या कैसे स्कूल में जाएंगे। इवन प्रथम रिपोर्ट में आप देखेंगे हरियाणा का 64% लिटरेसी रेट है जी। उसमें 78% मेल लिटरेसी रेट है, वेरस फीमेल का 50% से भी लेस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है यहाँ पर, लड़कों को पढ़ाने के लिए वो भेजना चाह रहे हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे। लड़कियों की शिक्षा पर अभी भी कम जोर दिया जा रहा है। कम जोर दिया जा रहा है। रवि, प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा की गारंटी देते हैं? देखिए, गारंटी अच्छी शिक्षा की गारंटी से एक बड़ा सवाल है कि चाइल्ड साइकोलॉजी। मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में कम से कम चाइल्ड साइकोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा सीखता कैसे है। किताबी ज्ञान तो वही है, CBSE से एफिलेटेड है, ICSE है, किताबें वही पढ़ी जा रही हैं, लेकिन तरीका अलग है। बच्चे को कितना समझाया जा सकता है, कितना पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कितना पढ़ाना सही है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी, ये कम से कम प्राइवेट स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल है। और अगर ये सरकारी स्कूलों में ये चीजें अमल में लाई जाएं, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकता है, प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है। फिर वही बात आती है कि क्योंकि प्राथमिकता उनकी जो टीचर्स वहां भर्ती हो रहे हैं, जैसे जया मैम ने कहा कि जो सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं
उनका उद्देश्य शिक्षा देना है ही नहीं, उनका उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है, जो सुबह 7 बजे जाएंगी और 2 बजे छुट्टी हो जाएगी और गर्मियों की 1.5 महीने की छुट्टियां रहेंगी। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मेरे एक तो इस बात में सहमति अभी भी है, अध्यापक संघ की जो राजनीति है वो किधर अध्यापकों तक सीमित होगी और शिक्षा को लेकर नहीं है, वो सवाल हो सकता है। पर ये कहना कि सरकारी स्कूल में जाने वाला अध्यापक सिर्फ ऐसा है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में बहुत सुंदर तरह से काम करने वाले मेहनती अध्यापक हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा दूसरा जो पूरा आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों की कैसे पढ़ाया जाना चाहिए उसका ध्यान रखा जा रहा है, जेबीटी टीचर जो आता है उसका पूरा उसके बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपका बीएड और एमए करके आप आगे आप जेबीटी टीचर नहीं लग सकते, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लग सकते, क्योंकि आपने बच्चों की साइकोलॉजी को मनोविज्ञान को समझा नहीं है। वो सब है, परंतु इस पूरे आर्ग्यूमेंट से हो ये रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल को, और सरकार भी वही चाह रही है, इसमें फर्क नहीं है, हम अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट, अब मैं जो बात करना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले के अंदर प्राइवेट के अंदर अधिक से अधिक ये हो रहा है कि पांचवीं का बच्चा पांचवीं का सिलेबस पढ़ रहा है। सवाल हरियाणा के लिए उसके भी आगे है कि शिक्षा आखिर किसे कहेंगे, ये हम आज उस क्राइसिस में बात कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत दिक्कत है कि पांचवीं की किताब पांचवीं का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। परंतु अगर हम सपना संजोना है तो सपना बहुत बड़ा होना चाहिए कि शिक्षा हो कैसे, शिक्षा ऐसी क्यों ना हो जो हरियाणा के संदर्भ में बात करे, हरियाणा और समाज को समझने की बात करे, अभी तो उसकी अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं। जय जी, आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ, ये जब कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट, मुझे तो पॉलिटिक्स इतना पता नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जरूर अच्छे कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में जो माँ बाप जाते हैं उनको वो पढ़ाई का स्तर नहीं मिलता, वो प्राइवेट स्कूल में आना चाहते हैं, और हर कोई प्राइवेट स्कूल अच्छी तरह शिक्षा देता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स हर जहां आजकल। पर क्यों चाहे जब सरकार इतना खर्चा रवि कर रही है सरकारी स्कूलों में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा रहा है, फिर गुणवत्ता पर क्यों नहीं कुछ ध्यान दिया जाता? एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे प्राइवेट स्कूल की बात हो कि प्राइवेट स्कूल की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है, इसमें एक मुद्दा एक शायद कारण ये भी है कि गाँव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गाँव के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप उनकी पढ़ाई की तरफ उनका पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रख पा रहे हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें तो पता ही नहीं होता नहीं कि पढ़ाई का मायने क्या है। हाँ, घर आकर उनका वो होमवर्क तक चेक नहीं कर सकते, उनको इसलिए इनको विश्वास है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं वो कम से कम बच्चे के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, और अगर हम कुछ नहीं जानते पढ़ाई के बारे में तो हमारे बच्चे का वो ख्याल रख रहे हैं, इस चीज के बारे में उनकी कहीं ना कहीं सोच है। एक चीज और है कि अब जो आरटीई के तहत अब जैसे एडमिशन की बात की जा रही है, आंकड़े बढ़े हैं, स्कूलों में ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन ये कि अगर 13 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसे 7वीं कक्षा में ही एडमिशन लेना होगा, चाहे उसे 1 से 6 तक कुछ भी ना आता हो, कि ये इन चीज़ों से फिर कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ये एक मुझे लगता है कि है तो एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि आप एक बच्चा है जो 7वीं तक उसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसको एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है, उसको अल्फाबेट्स की नॉलेज नहीं है, 7वीं तक कैसे चला जाए? 8वीं में जाकर अगर वो गुणा भाग के सवाल नहीं कर सकता तो इस पे उसका क्या कसूर, वो तो 1 से 6 तक गया ही नहीं। मुझे लगता है हो सकता है इससे कोई इंटरप्रिटेशन में कहीं गलती हो सकता है, ये जो 7वीं का लेवल है ये शायद हो सकता है किसी वोकेशनल कोर्स का हिस्सा रहा हो, कि वोकेशनल कोर्स में बच्चा 7th स्टैंडर्ड में एंटर हो सकता है, जो रूटीन ब्रिज कोर्सेस भी अभी शुरू नहीं हुए हैं। राजीव, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप ये कह रहे हैं कि 9 साल का बच्चा 3री कक्षा में जाएगा, पहले में नहीं जाएगा, मुझे लगता है इसको एकदम खारिज कर देने योग्य बात नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है, पर इसको एकदम खारिज नहीं किया जा सकता, और हरियाणा के संदर्भ में तो ये सवाल बहुत अहम है नहीं, एक तो अभी लागू नहीं हुआ, और लागू होने के बाद भी प्रथम की रिपोर्ट देखने के बाद जो जा रहा है और नहीं जा रहा दोनों में कोई असमानता नहीं है, दोनों बराबर खड़े हैं, तो हरियाणा के संदर्भ में अभी हम इसकी चिंता क्यों करें? अभी हम उसकी चिंता कर रहे हैं जो स्कूल जा रहा है, और सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि स्कूल में बच्चा जाने वाला छूट ना जाए, शिक्षा स्कूल जाने से बच्चा छूट ना जाए, इस पर सरकार का बहुत जोर है, आपने वो अचीव कर लिया, पर अब आगे सवाल है शिक्षा का। अब प्राइवेट स्कूल के रवि जी ने बात की कि जिन जो बच्चों के भविष्य के बारे में शिक्षा के बारे में जानते नहीं उनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, मेरा कहना दूसरा है, वहाँ उनके बच्चे जा रहे हैं जिनको बच्चों को और शिक्षा को लेकर कोई महत्व पता लगा है, जिनको शिक्षा के महत्व जानकारी होगी और जिनके आर्थिक साधन हैं, वो अपनी रोजगार के नौकरी में हैं कुछ इस तरह के साधन हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं। अभी संकट हरियाणा का जो मैंने पहले कहा, उन अभिभावकों को अभी ये जानकारी अभी उनके उनकी प्राथमिकता पे नहीं आया है कि बच्चे की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप चंडीगढ़ में देखेंगे कितने अभिभावक अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, छुट्टियां ले लेते हैं एग्जाम के दौरान, उन बच्चों उन अभिभावकों के मन में अभी ये सवाल नहीं बना है, अभी पहले उन अभिभावक जो है उनके लिए सवाल बनाना होगा, और फिर वो अध्यापक को भी ठीक कर लेगा, वो कैसे बनेगा सवाल, तो अगर वो बनेगा तो कैसे बन पाएगा? वो बनेगा अगर आप किसी को जाकर ये बताएं कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, वो वहां पढ़ेगा और उसकी शिक्षा क्या होगी, तो आपका पूरा परिवार आने वाले समय में बदल जाने वाला, और ये हुआ है, जिन परिवारों का पूरा जीवन खेती पे टिका था
और कुछ न्यूनतम शिक्षा लेकर जो परिवार का एक आधा व्यक्ति शिक्षा नौकरी में चला गया है उसका परिवार का पूरा जीवन स्तर सुधरा है, और जैसे उसे नौकरी में गया है उसके बच्चों की पढ़ाई पे उसका ध्यान गया है और बच्चे कहीं ना कहीं ठीक स्कूल में जा रहे हैं, प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। अब वो सारे के सारे लोग जिनको बच्चों की शिक्षा का महत्व पता लगा वो वहां से हटाकर प्राइवेट स्कूल में ले जा रहे हैं। अब ये कहना कि प्राइवेट स्कूल में सच में शिक्षा इतनी बेहतर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक अभी स्कूल बने हैं जिनमें बहुत बड़ा बड़ा व्यवस्था है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा कुछ है। हंसराज पब्लिक स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसी एक संस्था है जो बहुत पहला काम बड़े लंबे समय से कर रही होंगी। नए स्कूल भी बने पर हरियाणा के अंदर आप जाकर देखेंगे कस्बों में, छोटे गांवों में, बड़े गांवों में, शहरों में ऐसे स्कूल भी हैं जो प्राइवेट स्कूल के नाम पर एक घरों में चल रहे हैं, कमरों में चल रहे हैं। अब वो प्राइवेट की कैटेगरी में आते हैं ना, तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत है ना, वहाँ एजुकेटेड टीचर है, जो सरकारी स्कूल में एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है, जो क्वालिफाइड टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है, बावजूद इसके वो न्यूनतम पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कितना पढ़ रहा है इसका तो सर्वे हमारे पास है नहीं जी। अभी तो सवाल ये भी है ना कि उनका सर्वे हमारे पास कहाँ है जी, कि उन स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा क्या कर रहा है। और इस सबके पीछे कारण क्या है, पूरे मामले में उत्तरदायित्व नहीं है, जो मर्जी रूल की अवहेलना करे कोई नहीं पूछता। मैंने एक दिन पहले एक डिबेट में कहा था, हरियाणा सरकार ने कहा 33% महिलाओं का नौकरी न्यूनतम होगी शिक्षा में, और हरियाणा सरकार ने लागू करते हुए कहा कि हरियाणा की एजुकेशन में सिर्फ 33% महिलाएं होंगी। जो रिजर्वेशन होना था कि इतना तो न्यूनतम होंगी, उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया कि इतने ही लिमिट कर दिया। और एक बार नहीं, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा आप लिमिट कैसे कर रहे हैं, नियुक्ति में दोबारा इसको रिजल्ट बनाइए। उसके बाद फिर उन्होंने वैसे इंटरप्रेट किया अगली बार। अगर इस तरह के बावजूद कहीं उत्तरदायित्व तय नहीं होता तो फिर उन अध्यापकों का क्या जो स्कूल में जाते हैं, शराब भी पीते पकड़े जाते हैं, जुआ खेलते पकड़े जाते हैं, कन्याओं से छेड़खानी करते पकड़े जाते हैं, और गांव में कितने गांव की खबरें आती हैं कि स्कूल पे ताला लगा दिया गया। शिक्षक भर्ती के क्या पैमाने होने चाहिए जी, आपको क्या लगता है? शिक्षक भर्ती ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और क्वालिटी, आजकल तो STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको उनको क्लियर करना चाहिए। और शिक्षक वो होना चाहिए जो जाके बच्चों को पढ़ाना चाहे, क्योंकि आठवीं तक जब बच्चों को आपने फेल नहीं करना है, जब टीचर्स आके कहते हैं कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है, वो गलती बच्चे का नहीं है, जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक का है। वो शिक्षक अच्छी तरह पढ़ाएगा वो बच्चा जरूर पढ़ेगा। रवि, शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब JBT जैसे भर्ती घोटाले सामने आते हैं तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर तो सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, JBT जो स्कैम है इसका नतीजा तो अभी आया है, जो कोर्ट ने जो भी आदेश करे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना मामला है जी। अब कुल मिलाकर ये कहें कि शिक्षा के बारे में जो आज हम जिस स्थिति पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये एक पिछले बहुत लंबे समय की एक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काबिज रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी थी, जिनको शिक्षक भर्ती किया था, जिनकी क्वालिफिकेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिनके मेंटल एप्टीट्यूड की तरफ ध्यान नहीं दिया, पात्रता टेस्ट तो अब बने हैं, अगर उस वक्त बने होते तो हालात कुछ और होते, तो तब जो भर्तियां हुई मुझे लगता है उसका नतीजा सामने आ रहा है। और जो भी गुणवत्ता उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षक भर्ती में तो कम से कम सियासत ना बढ़ती जाए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हरियाणा में शिक्षा का गिरता स्तर एक गंभीर चिंता का मसला है। अगर हरियाणा सरकार अपने बढ़ते हरियाणा के नारे को कायम रखना चाहती है तो उसे जल्द इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।